गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा से पाठ 8 मेहनत की कमाई। बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षा लेने योग्य कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं इस कहानी में क्या है। पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में लग जाता। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके के राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरो का हार था जो उनके गले से गिर गया था। महाराज महाराज, मंगू ने जोर जोर से कई बार आवाज़ें लगाईं, लेकिन राजा दूर निकल चुके थे। मंगू ने हार उठाया और पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। शाम को अपना काम ख़त्म करने के बाद उसने हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उनकी एक कीमती वस्तु है, मंगू ने द्वारपाल से बोला। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। हुजूर, आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूँ। यह हार मेरे लिए अमूल्य है। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे यह हार भेंट किया था। राजा बोले। मंगू नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास आ गई है, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोले, भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मंगू महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य जाओ, राजा बोले। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंगू महल में वापस न लौटा। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा, मंगू अपने खेत में काम करने में मगन था। सिपाही उसे राजा के पास ले आए। मंगू, तुम अपने परिवार से मिलने गए थे लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे, राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मंगू हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज मैं आपका एहसान मंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट से रहने का सुख दिया, लेकिन हुजूर अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिलता है वह महल में निठल्ला रहकर नहीं मिलता। ऐसे में तो मेरा शरीर कामचोर और नाकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मंगू की यह बात सुनते ही राजा बोले, शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। आज्ञा कीजिए, मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस तोहफे को लेने से मना मत करना।
वरना मेरा दिल टूट जाएगा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतारकर उसके हाथ में पहना दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया। सीख या संदेश, मेहनत करके जो सुख मिलता है वह निठल्ला रहकर नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जब इस कहानी को पढ़ा तो देखा मंगू नाम का किसान कितना मेहनती और ईमानदार था। वो चाहता तो वो हीरों का हार अपने पास रख लेता, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद अगर वो चाहता तो राजा के महल में आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकता था। सारी सुख सुविधाएं थीं, सब कुछ था, वो भी बिना मेहनत किए। लेकिन मंगू ने ऐसा भी नहीं किया। वह अपने घर वापस आया और अपने खेतों में काम करने लगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो हमें फल मिलता है ना, उसकी खुशी का अनुभव बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों के ऊपर एक उदाहरण दूँ मैं, तो जैसे एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आता है, अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की वो सफल हुई, और उसका एक बहुत सुखद अनुभव होता है। लेकिन अगर आप चीटिंग करके एग्ज़ाम लिख दें और कुछ भी नहीं पढ़ा है और फिर आपने लिख दिया, तो रिज़ल्ट भी ज़ीरो आता है। और अगर आपने कॉपी करके एग्ज़ाम लिखा है, उसमें मार्क्स भले ही अच्छे आ जाएंगे, पक्का अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलता है। आगे अब हम आपकी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो जो सही उत्तर है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, मुझे महाराज से मिलना है, तो ऐसा मंगू ने द्वारपाल से कहा था जब वह महाराज को हीरों का हार वापस देने महल में गया था। तुम्हारी ईमानदारी से तो मुझे प्रसन्न कर दिया, ऐसा राजा ने मंगू से कहा जब राजा का कीमती हार मंगू ने उन्हें वापस दिया। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। मंगू कौन था? तो मंगू एक किसान था। राजा का हार किससे बना था? राजा का हार हीरों से बना था। महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? तो महल में मंगू 15 दिन ही रुका था और उसके बाद वह वापस चला गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में सही का निशान लगाना है। तो इस तरफ जो हमें ये दिए गए हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हीं शब्दों के सही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द को हमें जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो हम यहाँ पर इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है कृषक, तो कृषक का दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है किसान। इनाम, इनाम जो जैसे प्राइज मिलता है जब हम कुछ जीतते हैं, तो इनाम का दूसरा सही है पर्यायवाची शब्द पुरस्कार। तोहफा, तोहफा का पर्यायवाची शब्द होता है उपहार, तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो क्रिया शब्द अर्थात जो काम करने वाले शब्द होते हैं। तो मंगू खेत में हल चला रहा है, तो देखिए चला रहा है क्रिया शब्द है, क्योंकि हल चलाने का काम किया जा रहा है। राजा खेत के पास से गुजर रहे थे। मंगू ने जोर जोर से कई आवाज़ें लगाईं। मंगू ने हार उठाया।
मंगू अपने घर आ गया। तो ये सारे क्रिया शब्द हैं जिनसे हमें किसी काम का होने का पता चलता है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। जो हमें ये ब्रैकेट में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं तो हमें इनका सही रूप का प्रयोग करना है। कैसे? घोड़े से कोई चमकती चीज़ नीचे, अब गिरना, गिरना का सही क्या होगा? गिरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिरी। मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर लटका दिया। मंगू ने द्वारपाल से बड़ी हैरानी से पूछा। किसान ने सारी बातें राजा को बताई। मंगू महल में वापस ना लौटा। तो इस तरह से क्रिया का सही रूप भरकर हम वाक्यों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त मुहावरे दिल टूटना का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे हम अभी नहीं करेंगे। मुहावरों का पहले हम मतलब जानेंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे, ठीक है? तो यह था आपका आज का पाठ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।